morning everyone, good morning to all of you and once again welcome to you students. देखिए हमने लास्ट वाली क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था. वी हैव कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर एफ जो क्वेश्चन है इसका, ये हमारा कम्प्लीट हो गया था. तो देखिए अब आगे के जो क्वेश्चन है नंबर जी, देखिए इसका ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ऐसा आपको करना ही नहीं पड़ेगा. वैसे देखिए एफ का जो भी था हमारे सारा कम्प्लीट हो गया था. अब हमें इसका जी क्वेश्चन देखना है. जी में क्या है, देखिए कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, आपको कंपेयर करना है. कंपेयर का मतलब ग्रेटर कौन सा है और लेस कौन सा है, ये आपको बताना है. अब इसमें बहुत ईजी कंसेप्ट है. देखो यहाँ पर लिखा है 2.7, यहाँ पर लिखा है 1.5, ठीक है. यहाँ पर भी टू डिजिट है, यहाँ पर भी टू डिजिट है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की पावर 12 है, यहाँ पर 10 की पावर 8 है, तो इतना सा तो सबके पास मेरे हिसाब से सबको पता है कि 10 की पावर जो 12 है वो 10 की पावर 8 से क्या होता है, बड़ा होता है. तो यहाँ पर बड़े के साइड क्या जाएगा, ग्रेटर देना जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पर बीच में साइन लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है. वैसे आपको इसको ऐसे करना है. सेम टू सेम इसके अंदर होगा, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है. अब देखो 4 और 3 ये लिखा हुआ है, 4 बड़ा होता है हमें पता है, लेकिन यहाँ पे देखो 10 की पावर है 17 और यहाँ पर है 10 की पावर 14, ठीक है. तो 10 की पावर 7, सबसे पहले आप पावर को देखिएगा, ठीक है ना. पावर अगर इक्वल आती है तो फिर हम नंबर के पास आएंगे, लेकिन पावर जिसके पास ज़्यादा है वो नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा. तो 17 तो बड़ा होता है 14 से, तो 17 पावर किसके पास में, इसके पास में है. देन 3 × 10^17 है इज ग्रेटर, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा इससे, ओके. तो ये तो ईजी है, यहाँ पर एक बार ये साइन आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा. क्यों, क्योंकि पावर ज़्यादा है. जिसकी पावर ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ओके. तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ऐसा कंसेप्ट है नहीं, ठीक है. तो ईजी क्वेश्चन है. अब देखिए आपके एक थोड़ा सा ये लार्जर एक्सपोनेंट्स भी आ रखा है इसके अंदर, ठीक है. तो ये जो लार्ज एक्सपोनेंट्स है ये वैसे ऑब्वियसली देखा जाए तो 8th क्लास के अंदर पूरा डिटेल से आ रखा है, तो इसके क्वेश्चंस आपको अभी इतना ऐसे करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो आ रखा है हम उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. तो लार्ज एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक्सपोनेंट के साथ में थोड़े से फॉर्मूले बनते हैं, तो वो फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है. तो देखिए आपको क्या करना है, ऊपर हेडिंग लगाना है लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट, इसमें से क्या करना, सबसे नंबर 1 लगाकर आपको ये रेड रेड में दिख रहा है, आपको ये लिखना है ओनली, ठीक है ना. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर ये हो गया, इसका फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. होगा कैसे, क्या करना है इसके अंदर, ये मैं डिटेल्स आपको क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा. अभी आपको ना तो इसको ज़्यादा कंसिडर करना है और ना आपको इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना है, ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, ये फर्स्ट हो गया. सेकेंड नंबर देखिएगा आप इसका, यहाँ से देखिए सेकेंड नंबर, ये सेकेंड नंबर लगाकर आपको ये वाला फॉर्मूला लिखना है जो रेड रेड लिखा हुआ है, ठीक है. नंबर 3rd जो है वो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ में लेना है, ठीक है. एक बार आप उस फॉर्मूले को लिखेगा, बीच में डिवाइड वगैरह है तो आपको एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा. इसके बाद में फॉर्मूले के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है मैं ये क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ठीक है. नंबर 4 नंबर लगाकर ये वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, एंड नंबर जो 5th लगाकर आपको फॉर्मूला लिखना है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है नंबर 5th. नंबर 6 में क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 देन आंसर विल बी 0, तो आपको ये वाला लिखना है, ठीक है. यानी कि ये 6 फॉर्मूलाज आपको लिखना है एक बार, ठीक है. फॉर्मूला देखो, ये देखा जाए तो ये कंप्लीट डिटेल से वापस सेम टू सेम आपके जो 8th क्लास है उसके अंदर पूरा चैप्टर आ रखा है और वापस 7th क्लास में भी दे रखा है. तो अभी करने से तो कोई मीनिंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी आ रखा है तो हम इसको एक बार इसके जो क्वेश्चन वगैरह है उनको भी सोल्व करेंगे और एक बार इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है. 8th क्लास में आपको इसको डिटेल से पढ़ना भी है वैसे, ठीक है. इसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ये वापस एक्सपोनेंट के लास्ट आपको सारे वहाँ पर वापस रिपीट होंगे, ओके. तो देखिए आपका वर्क आज का क्या है, एक तो आप इस वाले फॉर्मूले को लिखोगे, इस वाले फॉर्मूले को लिखोगे, और फॉर्मूले को लिखना है उसको समझने की ट्राई करना कि यहाँ पर डिवाइड आ रहा है, यानी फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है वो आपको एक बार समझने की ट्राई करना है, ओके. फिर इसके अंदर ये भी लिखना है, ये भी लिखना है. नंबर 3 लगाना है इसके पास में, नंबर 4 इसके पास में लगाना है. यहाँ से देखिए ये नंबर 2nd, ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका नंबर 1st हो जाएगा. यहाँ पर ये हो गया आपका नंबर 1st, और ये तो करना ही है. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर से तो काफ़ी इजी है वैसे भी, ओके. तो आज आपका जो वर्क है आपका, मैं आपको वर्क थोड़ा सा कम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है ये काफ़ी न्यू टॉपिक है, आपको इसको एक बार लिखना है अच्छे से, फॉर्मूला को लर्न करने की ट्राई करना है, ठीक है. एक बार लर्न करोगे अच्छे से, ज़्यादा बड़े नहीं फॉर्मूला, बहुत ईजी फॉर्मूलाज है वैसे भी, तो ये आपको लर्न भी हो जाएंगे, ओके. तो आज के लिए काफ़ी है, इन फॉर्मूला को सही ढंग से लिखेगा और लर्न करने की ट्राई कीजिएगा, ठीक है. तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, एंड वीडियो को लाइक करना है, और आप जो भी अपने जिन्होंने अभी तक अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो
आपको अपने स्कूल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।